फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स डेली द हिंदू वोकैबुलरी पावर्ड बाय वोकैब 24 ऐप। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि वाईफाई स्टडी पहुंच गया है डेली निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के जस्ट 100 मीटर के पास में वाईफाई स्टडी का सेंटर ओपन हो गया है। तो अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड है, अगर आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज हैं, तो आप वाईफाई स्टडी के साथ में एसोसिएट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई भी स्टूडेंट एससी की, बैंक की या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वाईफाई स्टडी के पास में बहुत अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑनलाइन पेन ड्राइव के साथ में, एसडी कार्ड के साथ में आप देख सकते हैं 300 से ज़्यादा वीडियोज़ प्लस मॉक टेस्ट, डाउट क्लासेस, सभी कुछ अवेलेबल है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7023336 75 के ऊपर। साथ में अगर अभी आपने अभी तक आप वोकैब 24 के प्राइम मेंबर नहीं बने हैं, तो आप प्राइम मेंबर बनना भी ना भूलिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग कीजिए। तो फ्रेंड्स, जो आज का अपना पहला वर्ड है वो है जिंजरली। जिंजरली क्या है? एक एडवर्ब है जिसका मतलब क्या है, इन ए केयरफुल और कॉन्शियस मैनर। तो कोई भी चीज़ अगर आप कोई सतर्कता से करते हैं, बहुत ही केयरफुली करते हैं, तो उसको अपन कहते हैं जिंजरली। ठीक है, सिनोनिम देखिए, कॉन्शियसली, केयरफुली, विद कॉन्शियस, विद केयर, सर्कमस्पेक्टली, वेरीली, हीटफुली, वॉचफुली या फिर विजिलेंटली। तो ये सब इसके सिनोनिम है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। विजिलेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हीटफुल इंपॉर्टेंट है, वेरीली भी इंपॉर्टेंट है। और एंटोनिम्स क्या होंगे, केयरलेसली, अनकॉन्शियसली या फिर अनकेयरफुली। और एग्जाम्पल, आफ्टर द डेंटिस्ट हैड डन हिज वर्क शी हैड टू च्यू जिंजरली ऑन दैट साइड ऑफ हर माउथ फॉर अ वाइल। यानी कि जब डेंटिस्ट ने अपना काम कर लिया तो उसको जो च्यू करने के लिए बड़ी सतर्कता से कहा गया माउथ के एक साइड के अंदर। ओरिजिन क्या है, ओल्ड फ्रेंच वर्ड है। अब देखिए ट्रिक कितनी आसान है इसकी, ज़्यादा जिंजरली खानी चाहिए। तो देखिए, ज़्यादा जिंजर खाना, जो अदरक है, ज़्यादा जिंजर खाना, आप सभी को पता है कि कोई भी चीज़ अगर अपन एक्सेस में खाते हैं तो वो नुकसान ही करती है। ठीक है, तो ज़्यादा जिंजरली खानी चाहिए, यानी कि बड़ी सतर्कता से खानी चाहिए। ओके, विंटर्स में ऐसा होता है कि लोग अक्सर हर चीज़ के अंदर जिंजर यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा जिंजर यूज़ करना है वो भी सही नहीं है। ओके, तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं कि ज़्यादा जिंजरली खानी चाहिए, यानी कि बड़ी कॉन्शियसली खानी चाहिए, बड़े ध्यान रख के केयरफुली खानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप विंटर के चक्कर में ज़्यादा खाए जा रहे हो और बाद में नुकसान हो जाए। नेक्स्ट है ट्रैवर्स। ट्रैवर्स का एक वर्ब है जिसका मतलब क्या है, ट्रैवल अक्रॉस और थ्रू। तो ट्रैवल्स का मतलब होता है किसी चीज़ के पार चले जाना, किसी चीज़ के जर्नी करते हैं, जब अपन किसी चीज़ से अक्रॉस होकर गुजरते हैं तो उसको अपन ट्रैवल्स कहते हैं। ट्रैवल ओवर, अक्रॉस, जर्नी ओवर, क्रॉस, मेक वन वेज, अक्रॉस, पास ओवर, गो अक्रॉस, ये सब इसके सिनोनिम है। और एंटोनिम्स है बी सेटल या फिर बी स्टॉप। और एग्जाम्पल, टू गेट टू द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड वी विल हैव टू ट्रैवल्स अ वेरी रॉकी पाथ। यानी कि अगर अपन को हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड अगर अपन को जाना है वहाँ पर, तो हमको कई डिफ़िकल्ट, ओके, कई तरीके के रॉकी पाथ से गुजरना पड़ेगा। और वर्ब फॉर्म क्या है, ट्रैवर्स, ट्रैवर्स्ड एंड ट्रैवर्स्ड। और उसकी ट्रिक क्या है, देखिए बड़ी आसान है। ट्रैवल में ऐसी जगह से ट्रैवर्स करना पड़ता है। तो देखिए, जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो आपको कई सारे ऐसी ट्रैवल करते हो, ट्रैकिंग करते हो, तो ट्रैकिंग करते वक्त भी कई सारी ऐसी जगह से आपको ट्रैवर्स होना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि डेजर्ट से भी होना पड़ेगा, माउंटेन से होना पड़ेगा, डेंस फॉरेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रैकिंग में, ट्रैवल के वक्त आपको ऐसी जगह से ट्रैवल्स करना पड़ता है, यानी कि गुजरना पड़ता है। तो इस तरीके से अपन ट्रैवल वर्ड को ट्रैवल से रिलेट करके इसे हमेशा याद कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है ट्रैवल और ट्रैवल्स, इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं हमेशा। नेक्स्ट है सिनर्जी। सिनर्जी क्या, एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, द इंट्रैक्शन और कॉपरेशन ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन। तो जब दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में किसी भी चीज़ को लेकर कॉरपोरेशन करती है, एग्रीमेंट करती है, कंबाइन होकर काम करती है, तो उसको अपन सिनर्जी कहते हैं। ठीक है, सिम्बायसिस, कोएक्शन, कॉर्पोरेशन, कंबाइंड एफर्ट्स, डिस्कॉर्ड, हॉस्टिलिटी, डिसेंशन, ये इसके सिनोनिम है। और एंटोनिम्स हैं डिस्कॉर्ड, हॉस्टिलिटी, डिसेंशन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखिए, द सिनर्जी बिटवीन द टू फर्म्स हैज क्रिएटेड अ जॉइंट कंपनी दैट नाउ कंट्रोल्स द इंडस्ट्री। यानी जो कॉर्पोरेशन हुआ दो फर्म्स के बीच में, तो अब एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई जो कि कंट्रोल कर रही है इंडस्ट्री को। रिलेटेड वर्ड क्या है, सिनर्जिस्टिक। ठीक है, जो कि इसका मतलब है वर्किंग टुगेदर, यूज स्पेशली ऑफ ग्रुप और सब्सिडरीज ऑफ अ कॉर्पोरेशन। ओरिजिन कहाँ से, ग्रीक वर्ड से ही है। अब देखिए ट्रिक कितनी आसान है, एनर्जी सेक्टर में बहुत कंपनियों के बीच सिनर्जी हो रही है। तो देखिए, आजकल आपको पता है ये विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनके बीच में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उनके बीच में सिनर्जी हो रही है। तो एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे सिनर्जी हो रही है, यानी कि म्यूचुअल कॉरपोरेशन हो रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आप एनर्जी को सिनर्जी से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं हमेशा की तरह। ठीक है, तो एनर्जी और सिनर्जी दोनों ही सुनने में बहुत कॉमन से है और बहुत आसान है।
नेक्स्ट है कन्वर्ज। कन्वर्ज क्या एक वर्ब है जिसका मतलब है टेंड टू मीट एट अ पॉइंट। तो कन्वर्ज और डाइवर्ज देखिए दो सिंपल से वर्ड होते हैं, आपने सुने होंगे हमेशा से। कन्वर्ज का मतलब होता है मिलना और डाइवर्ज का मतलब होता है दूर चले जाना। एग्जाम्पल देखिए, द हॉस्पिटल हैज मेड यूज ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। यानी कि हॉस्पिटल ने क्या किया, कन्वर्जेंस किया, मिला दिया मेडिसिन को और टेक्नोलॉजी को ताकि पेशेंट का ध्यान अच्छे से रख सके। सिनोनिम एंटोनिम बड़े आसान से हैं यहाँ पे, और ओरिजिन कहाँ से है, लैटिन वर्ड से है। ट्रिक कितनी आसान है देखिए, वर्ज पे जाके ये रास्ता कन्वर्ज होता है। तो वर्ज पे जाके ये रास्ता कन्वर्ज होता है, जैसे कि देखिए फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट है, इसके आगे क्या है, सी है, ठीक है, और ये लास्ट पॉइंट, और यहाँ पे जाके रास्ते क्या होते हैं, ये कन्वर्ज हो रहे हैं, यानी कि मिलना, ठीक है। तो कन्वर्ज, वर्ज और कन्वर्ज इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि वर्ज पे जाके ये रास्ता कन्वर्ज होता है, कन्वर्ज यानी कि मिल जाता है, और वर्ज का मतलब क्या होता है, आखिरी के अंदर, कोने पे अंदर, ओके। नेक्स्ट है स्टूवर्डशिप। स्टूवर्डशिप एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, द जॉब ऑफ सुपरवाइजिंग और टेकिंग केयर ऑफ समथिंग सच एज ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉपर्टी। तो किसी भी चीज़ का संचालन करना, किसी भी चीज़ का प्रबंधन करना, किसी भी चीज़ को सुपरवाइज करना, ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, उसको अपन स्टूवर्डशिप कहते हैं। सिनोनिम एंटोनिम तो बड़े आसान से हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं, अंडर कोच गैरी क्रिस्टन स्टूवर्डशिप द टीम वॉन वर्ल्ड कप 2011। तो अंडर कोच गैरी क्रिस्टन, अपने गैरी क्रिस्टन के मैनेजमेंट के अंदर टीम इंडिया ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था। रिलेटेड वर्ड क्या है, स्टूवर्ट यानी कि प्रबंधक। अब देखिए इसको याद करने का तरीका कितना आसान है, आपको पता होगा इन एक्ट्रेस के बारे में तो, क्रिस्टन स्टूवर्ट, ओके, ट्विनलाइट की बहुत फेमस अदाकारा है। तो क्रिस्टन स्टूवर्ट पहले शिप में स्टूवर्ट का काम करती थी, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए दोनों ही जगह स्टूवर्ट है, क्रिस्टन स्टूवर्ट शिप में क्या काम करती थी, मैनेजमेंट का काम करती थी पहले, मूवीज में आने से पहले। तो अपन कैसे याद कर सकते हैं, स्टूवर्डशिप से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि क्रिस्टन स्टूवर्ट पहले शिप में स्टूवर्डशिप का काम करती थी, स्टूवर्डशिप यानी कि मैनेजमेंट का काम किया करती थी, ओके। तो इस तरीके से स्टूवर्ट भी और शिप भी दोनों को रिलेट करके अपन स्टूवर्ट मिला के इसे याद कर सकते हैं, ओके, कि क्रिस्टन स्टूवर्ट पहले शिप में स्टूवर्डशिप का काम करती थी, यानी कि मैनेजमेंट का काम किया करती थी। नेक्स्ट है रिसॉर्ट। रिसॉर्ट क्या है, वर्ब है जिसका मतलब क्या है, टर्न टू एंड अडॉप्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन स्पेशली एन एक्सट्रीम और अनडिजायरेबल वन सो एज टू रिजॉल्व अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो रिसॉर्ट का मतलब है किसी चीज़ की सहायता लेना, किसी चीज़ के रास्ते को अपनाना, यूटिलाइज करना किसी चीज़ को, किसी की मदद लेना, उसको अपन रिसॉर्ट कहते हैं। सिनोनिम देखिए, यूज, यूटिलाइज, एम्प्लॉय, अडॉप्ट टू और हैव रिकोर्स टू, और एंटोनिम्स क्या है, फॉरगो या फिर एश्यू। तो अभी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, फीलिंग द डिफिकल्टी दे रिसॉर्टेड टू अनदर पार्ट टू रीच द डेस्टिनेशन। यानी कि जब इनको डिफिकल्टी लगी तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। वह फॉर्म देखिए, रिसॉर्ट, रिसॉर्टेड एंड रिसॉर्टेड। अब देखिए ट्रिक कितनी आसान है, जैसे कि अगर आप कहीं बारिश में जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए और बहुत तेज़ बारिश आ गई, तो और आपको दिखा पास के अंदर ही एक बहुत अच्छा रिसॉर्ट है, तो क्या आप रिसॉर्ट में रिसॉर्ट नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो यानी कि रिसॉर्ट में आपने रिसॉर्ट लिया, यानी कि उसकी सहायता ली, ठीक है। तो इस तरीके से रिसॉर्ट का मतलब तो आपको पता ही है, जहाँ पे अक्सर लोग जाते हैं, ठीक है, फ़न के लिए। और रिसॉर्ट आज जो आपको दूसरा मतलब पता लगा होगा वो होता है किसी भी चीज़ को यूज़ करना, यूटिलाइज करना, अडॉप्ट हो जाना उसी चीज़ के, ठीक है। तो बारिश आ गई रास्ते में, तो रिसॉर्ट में रिसॉर्ट लिया, रिसॉर्ट में रिसॉर्ट लिया यानी कि रिसॉर्ट की मदद ली, उसको यूटिलाइज किया, ओके। नेक्स्ट है पैसे। पैसे क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है, नो लॉन्गर फैशनेबल और आउट ऑफ डेट। तो कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही पुरानी हो जाती है, अप्रचलित हो जाती है, पुरानी, उसको अपन कहते हैं पैसे। आउटडेटेड, आउट, ओल्ड फैशन, आउटमोडेड, आउटवॉर्न, आर्किक, ऑब्सोलेसेंट, ऑब्सोल्यूट या फिर डिफंक्ट। और एंटम्स क्या है, करंट, फैशनेबल, इनवोग, मॉडर्न या फिर न्यू। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है वो देखिए, आर्किक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिफंक्ट इंपॉर्टेंट है, जो फंक्शन में नहीं वो डिफंक्ट, अपन ने ऐसे इसको याद किया था कुछ टाइम पहले, और वोग भी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल, वंस ए न्यू सोशल मीडिया साइट बिकेम ट्रेंडी, ऑल ऑफ द ओल्ड साइट्स बिकेम पैसे एंड लूज यूजर्स। यानी कि जैसे कोई नई सोशल मीडिया साइट लॉन्च होती है, ट्रेंड में आती है, तो पुरानी वाली साइट पुरानी हो जाती है बहुत, और लूजर को, यूज़र को लूज कर जाती है। ओरिजिन कहाँ से है, फ्रेंच वर्ड से है। अब ट्रिक देखिए इसकी, जो फैशन पास हो गया वो पैसे हो गया। तो देखिए जो फैशन, जो फैशन है ना, जो फैशन, ठीक है, पास हो गया वो कैसे हो गया, पैसे हो गया, यानी कि पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया। जैसे कि ये हेयर स्टाइल, अब ये जो एक्ट्रेस है, ओके, उस टाइम पे 1670s के टाइम पे ये हेयर स्टाइल हुआ करती थी, लेकिन ये फैशन क्या हो गया, पास हो गया, पास हो गया यानी कि पैसे हो गया, पैसे हो गया यानी कि आउटडेटेड हो गया, पुराना हो गया। तो इस सिंपल सा जो पासवर्ड है, इससे ही आप रिलेट कर सकते हैं और इस वोकैब को हमेशा याद कर सकते हैं।
नहीं इसे डिटेंट, डिटेंट एक क्या नाउन है जिसका मतलब क्या है, द एज ऑफ हॉस्टिलिटी और स्ट्रेंड रिलेशन स्पेशली बिटवीन कंट्रीज। तो किसी भी चीज़ की मित्रता को नवीनीकरण करना, सुधारना संबंधों को, चाहे दोस्तों के बीच में हो चाहे देशों के बीच में हो, उसको अपन डिटेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसके सिनोनिम देखिए, रिकन्सिलिएशन, रेप्रोचमेंट और एजमेंट। और एंटोनिम्स क्या है, वर्सनिंग, एग्रीवेशन। और एग्जाम्पल, द एम्बेसडर्स स्पोक टू ईच अदर आफ्टर क्रिएटिंग ए क्लाइमेट ऑफ डिटेंट इन द वॉर टॉर्न रीजन। जो एम्बेसडर थे उन्होंने आपस में बात करी ताकि जो क्लाइमेट है उसको सुधारा जा सके, जो सुधार करने का जो नवीनीकरण है उसको बढ़ाया जा सकते हैं। ओरिजिन कहाँ से है, फ्रेंच वर्ड से है। अब देखिए ट्रिक कितनी आसान है, दोनों टेंट लगा देते हैं, डिटेंट कहाँ से होंगे। तो देखिए दोनों टेंट लगा देते हैं, किसकी बात कर रहे हैं अपन, इंडिया और चाइना की। जब भी कोई बात होती है इंडिया चाइना में, दोनों की दोनों एक जगह पे आके टेंट गाड़ देते हैं अपना, आपको पता ही होगा। तो टेंट गाड़ देते हैं मतलब, और टेंट गाड़ दिया तो क्या होगा, डिटेंट कैसे होगा। ठीक है, डिटेंट कैसे होगा यानी कि नवीनीकरण कैसे होगा, सुधार कैसे होगा। तो दोनों टेंट लगा देते हैं, डिटेंट कहाँ से होंगे, तो डिटेंट का मतलब क्या है, सुधार कहाँ से होगा, दोनों की आपसी मित्रता में बातचीत कहाँ से होगी। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, टेंट को डिटेंट से वर्ड से लेकर के याद कर सकते हैं कि दोनों टेंट लगा देते हैं, डिटेंट कहाँ से होंगे, यानी कि जो मित्रता है वो कैसे सुधरेगी। नेक्स्ट है डाउटेल। डाउटेल क्या, एक वर्ब है जिसका मतलब क्या है, फिट और कॉज टू फिट टुगेदर स्टेज इजिली एंड कन्वीनियंटली। तो किसी भी चीज़ से मेल खाना, किसी भी चीज़ से अकॉर्ड करना, मैच करना, फिट करना, उसको अपन डाउटेल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई प्लेयर है बहुत अच्छा खेल रहा है, तो अपन बोलते हैं कि ये जो दूसरा प्लेयर है ये इसके डाउटेल है, यानी कि इसके इसके स्टैंडर्ड को मैच करता है। ओके, तो डाउटेल का सिनोनिम देखते हैं, अकॉर्ड, कंकर, कोइंसाइड, मैच, फिट, बी इन एग्रीमेंट, कन्फर्म, हार्मोनाइज। और एंटोनिम्स क्या है, क्लैश, मिसमैच या फिर डिसयूनाइट। और एग्जाम्पल, फॉर एनी रिलेशन टू बी सक्सेसफुल द हैबिट्स ऑफ बोथ साइड शुड बी डाउटेल्ड। यानी फॉर एनी रिलेशन टू बी सक्सेसफुल, कोई भी रिलेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए दोनों के अंदर हैबिट होनी चाहिए आपस के चीज़ों को मैच कराने को लेकर। वर्ब फॉर्म्स क्या है, डाउटेल, डाउटेल्ड एंड डाउटेल्ड। और ट्रिक देखिए कितनी आसान है, डव सोप से कोई भी सोप डाउटेल नहीं होता। तो देखिए अपन बात करें डव सोप की, कि जो डव सोप है ना उससे कोई भी सोप डाउटेल नहीं करता, यानी कि उसके मैच नहीं करता। ओके, जो इसके और जो पीएस के जो स्टैंडर्ड है उससे दूसरा कोई भी सोप मैच नहीं करता। ठीक है, तो डव सोप को अपन डाउटेल से लेट करके से याद कर सकते हैं कि डव सोप से कोई भी सोप डाउटेल नहीं करता, यानी कि उससे मैच नहीं करता, फिट नहीं होता। ठीक है, उसके जितनी क्वालिटीज है वो किसी में नहीं है। और आज का लास्ट वो क्या है, शिन्यू। शिन्यू क्या, एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, एज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव इट स्ट्रेंथ और बाइंड इट टुगेदर। तो किसी भी चीज़ को मजबूत बनाना, मजबूती होना, अच्छी पावर होना, उसको अपन शिन्यू कहते हैं, पोटेंसी, पावर, विगर, मसल। ओके, और एंटोनिम्स है डिसेबिलिटी, इंपोर्टेंस, लिथर्जी, पावरलेसनेस, वीकनेसनेस। यहाँ पे दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। और एग्जाम्पल क्या है, कैप्टन शुड बी शिन्यू ऑफ हिज टीम, यानी जो कैप्टन है वो हमेशा मजबूत होना चाहिए अपनी टीम का। वर्ब फॉर्म क्या है, शिन्यू, शिन्यूड एंड शिन्यूड। और रिलेटेड वर्ड क्या है, शिन्यू यानी कि टू स्ट्रेंथन। ओके, अब देखिए ट्रिक कितनी आसान है, सलमान की बॉडी शिन्यू है। तो देखिए सलमान खान की बॉडी कैसी है, बहुत मजबूत है, इतने सालों से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओके, तो बहुत अप्रिशिएबल चीज़ें ये, तो इतने साल कंटिन्यू करना, तो सलमान की बॉडी कैसी है, बहुत मजबूत है। तो सलमान और शिन्यू इस तरीके से अपन उसको लेट करके याद कर सकते हैं कि सलमान की बॉडी शिन्यू है यानी कि बहुत मजबूत है। तो ये आज के आपके 10 वोकैब थे फ्रेंड्स। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि अपने 20 सितंबर को पूछा था, जिसमें आपको मोस्ट अपोजिट मीनिंग बताना था, जो कि गिवन ऑप्शन थे। तो डिसेंशन आपका वर्ड था, और यहाँ पर जो सही आंसर है, जो कि काफ़ी बच्चों ने सही भी दिया है, वो है कंकरेंस। ओके, कंकरेंस यानी कि सहमति, और असहमति का मतलब हुआ डिसेंशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आज का जो कि आपको मोस्ट सिमिलर यानी कि सिनोनिम बताना हुआ मौसी, इस वर्ड का आपको सही मीनिंग बताना है और कमेंट करके आंसर करना है। मैच द कॉलम में देखिए फ्रेंड्स, स्टूवर्डशिप का मतलब क्या हुआ था। ओके, कि क्रिस्टन स्टूवर्ड शिप में पहले स्टूवर्ड शिप का काम करती थी, ऐसे अपन ने याद किया था, यानी कि कैसे क्या मतलब हुआ इसका, प्रबंधन का। ओके, मैनेजमेंट करने का। शिन्यू, सलमान की बॉडी शिन्यू है, मजबूत है। तीसरा कन्वर्ज, वर्ज पे आके कन्वर्ज हुआ, यानी कि ये आपका आंसर हुआ, यानी कि आखिरी में आके मिलान होना। ट्रैवर्स, ओके, ट्रैवलिंग के टाइम हमें ट्रैवर्स करना पड़ता है, यानी कि रास्ते से गुजरना पड़ता है। जिंजरली, ज़्यादा जिंजरली खानी चाहिए, यानी कि बड़ी सावधानी से खानी चाहिए। ओके, पैसे, ये फैशन पास हो गया, यानी कि पैसे हो गया, यानी कि बहुत पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया। डाउटेल, डव के जैसा कोई भी डाउटेल नहीं है, यानी कि इसके जैसे स्टैंडर्ड का कोई भी नहीं है। डिटेंट, दोनों टेंट लगा देते हैं, डिटेंट कहाँ से होगा, यानी कि जो रिलेशन है वो इम्प्रूव कहाँ से होंगे। रिसॉर्ट, बारिश तेज आ गई तो रिसॉर्ट में जाके रिसॉर्ट लिया, यानी कि मदद ली, यूटिलाइज किया। और सिनर्जी, एनर्जी के सेक्टर में बहुत सिनर्जी हो रहे हैं, यानी कि कॉरपोरेशन हो रहे हैं।
तो ट्रिक बनाओ जाने में देखिए फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे जो कर्प नाम का एक वर्ड पूछा था जिसका मतलब है कंप्लेन करना, तो यहाँ पे कविता जी की और लोकेश कुमार की अच्छी ट्रिक आई है। तो कविता जी कहती है कि खुद के काम करने में असमर्थ लोग दूसरे के कर्प करते हैं, तो असमर्थ और कर्प इस तरीके से इन्होंने इसको रिलेट किया है, जो यानी कि जो खुद का काम नहीं करते वो दूसरों की कंप्लेन करते हैं। और लोकेश जी ने कहा है न्यू कार लेके आया तो पड़ोसी कर्प करने लगे, तो न्यू कार को उन्होंने कर्प से देखे कितने अच्छी तरीके से लेट किया है। ओके, तो कर्प का मतलब क्या हुआ, कंप्लेन करना। और आज का जो आपका मीनिंग आपको याद करना है उसकी ट्रिक बनानी हुआ हीटफुल। ओके, उम्मीद है कि आपने ये वर्ड सीख लिया होगा, कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था, और आपको कमेंट करके इस ट्रिक भेजनी है। सेंटेंस फ्रेमिंग में जी अच्छे जवान दिन जो पाक आर्मी है उसके बारे में लिखा है और 10 वोकैब यूज़ कर रहे हैं, तो उम्मीद है फ्रेंड्स इससे इनकी राइटिंग स्किल काफ़ी इंप्रूव होगी और काफ़ी इन्होंने सच बातें लिखी हैं इसके अंदर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप वापस से ऐसे सेंटेंस फ्रेम करते रहेंगे और अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। GK24 और Vocab24 को डाउनलोड करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।